Buscar, buscar, tem que buscar! Ai, ai! Ai, pisei! Pisei! Ai! Corta na, corta, vai! Vai, What's up guys, welcome back to another vlog. तो आज अपन एक स्पेशल जगह जा रहे हैं अपन. सडन डिसाइड हुआ था लास्ट वीक. तो सीन मैं एक तो एक्चुअली ड्राइव कर रहा हूँ, इसके लिए बार बार कैमरे पे देख रहा नहीं मैं, ट्रैफिक में फंसा हूँ. तो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग मतलब मैं अभी जा रहा हूँ एक कैफे में, गेमिंग कैफे में. सीन ऐसा हुआ, लास्ट वीक मैं अन्ना की एक स्टोरी देखा था कि वो एक कैफे में वैलो लैंड खेल रहे थे. अभी रिसेंटली मैं वैलो बहुत खेल रहा हूँ, तो मेरे को भी वैलो लैंड खेलने का बहुत मन कर रहा था. बोला अन्ना कुछ है क्या जुगाड़ उगाड़ अपना भी कराओ नेक्स्ट वीक स्लॉट. तो अन्ना करा दिए, अभी जा रहा हूँ मैं वैलो लैंड खेलने. मेरी टीम मैं बहुत मतलब सबसे पहली बार ही मिलने वाला हूँ जो भी वहाँ पे खेलते हैं रेगुलर कैफे में. जो लैंड्स होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं, आप लोगों को एक्सपीरियंस कराऊंगा अभी. और टीम डिसाइड हो गई, अन्ना अपोजिट टीम में, अन्ना मतलब चार पांच टीम्स है, मैं किसी की टीम में हूँ, जाके मिलाऊंगा सबसे वहाँ पे. ऑन द वे हूँ और कितने 17-18 मिनट है. तो एक सडन स्पेशल मेरे को ब्लॉग करने का मन किया ये कि हाँ चलो भाई ब्लॉग करते हैं इसको. सुकून से जा रहा हूँ, खाना वाना खा लिया, जिम जिम जाके आ गया. तीसरा दिन था आज जिम का, मज़ा आया, क्रेजी था. और हाथ का बहुत लोग पूछ रहे थे हाथ का अपडेट क्या है. अभी चल रहा है गाइस रिकवरी, मतलब फिजियोथेरेपी मेरा कंप्लीट हो गया, फिजियोथेरेपी कंप्लीट हो गया, बहुत दिन हो गए. और जिम स्टार्ट किया मैं, अभी तीसरा दिन था आज. मेरा ऐसा रहता था जिम में, इसलिए जाता था मैं पूरा दिन का फ्रस्ट्रेशन निकालता था. एंड मेरे को फिट भी रहना था, मेरे को एस्थेटिक बॉडी भी चाहिए था. तो बहुत मेहनत करके बनाया था, बट इंजरी की वजह से पूरा वाट लग गया, 3 महीने जिम विम नहीं किया. और अभी वापस स्टार्ट किया है, थोड़ा साइज बहुत उतर गया यार साइज. मतलब आप समझ लो 5 से 10 किलो मसल, प्योर मसल मेरा उतरा है 3 महीने के अंदर अंदर. बट कोई नहीं, होता है, इट वॉज अ लाइफ लेसन. सीखेंगे एंड वर्कआउट करेंगे वापस अच्छे से, ध्यान रखेंगे, ईगो पे नहीं लेंगे कोई भी चीज़ को. अब से मैं वैसे भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करता था, बट आई थिंक वो आर्म रेसलिंग में मैंने थोड़ा ईगो अपने ऊपर ले लिया, मतलब ईगो में वो कर दिया मैंने, वो मेरी गलती थी. ठीक है, सीखने मिला बहुत कुछ उससे, बट अभी धीरे धीरे रिकवरी होगी, वापस बॉडी बनाएंगे, शेप में आएंगे, वी गो जिम बॉयज. आप लोग सोच रहे होंगे एकदम से ऐसा ट्रांजिशन कैसा आ गया. तो ये गाइस मेरी 3 दिन बाद फिजिक, पूरा बॉडी उधर गया था, फाइनली धीरे धीरे पंप आ रहा, फुल एकदम जीवीडी ट्रेनिंग चल रहा. मैं एक प्रो टिप दूंगा जितने बिगिनर्स है, सब लोग बोलते थे पहले, अभी तो मेरी पहले ऐसी बॉडी नहीं है ऑफकोर्स, पहले बहुत ज़्यादा मैं एस्थेटिक था, बहुत साइज था और मैं परफेक्ट अपनी ड्रीम फिजिक पे पहुंच गया था, बट उसके बाद इंसिडेंट हो गया. तो मैं हमेशा जीवीडी ट्रेनिंग करता था हमेशा, एंड अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, मैं जीवीडी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया वापस. एंड उससे पंप भी बहुत क्रेजी आता है एंड मेरे को सूट करता है मेरी बॉडी को, पता नहीं क्यों. जब से मैं जीवीडी ट्रेनिंग स्टार्ट किया हूँ तब से मेरा रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आने लगे. अगर आप लोगों को ट्रेनिंग देखना है, अगर आप लोगों को मेरा वर्कआउट ब्लॉग देखना है, तो जरूर कमेंट करके बताना. सॉरी एकदम से ऐसा ट्रांजिशन ले दिया मैं, मेरे को मालूम था कोई ना कोई कमेंट करेगा कि भाई बताओ कैसे आप ट्रेनिंग करते क्या करते. तो अगर आप लोगों को वो देखने गए तो ज़रूर कमेंट करो, बाकी ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं वहाँ से. अभी ये है अपनी करंट फिजिक, 3-4 दिन बाद जिम जाने के बाद, 3 महीने के बाद ये day 4 है. एंड 30 डेज में आई थिंक मैं थोड़ा बहुत अपने पहले जैसे फिजिक के 20-30% क्लोज पहुंच जाऊंगा, बाकी 2-3 महीने में पहले जैसा हो जाऊंगा. बाकी ये मेरा जो हाथ, जहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सर्जरी का मार्क है, जहाँ पे वो लाइन देख रहे हैं वहीं पे प्लेट है पूरी बड़ी. तो वहाँ का ट्राइसेप जो है ना, ये पूरा ट्राइसेप काटा गया था सर्जरी में, मतलब जो ट्राइसेप मसल पूरा जो था ना यहाँ पे, वो पूरा काटा गया था. तो मसल वापस ग्रोथ होने में टाइम लगता है. अगर आप लोगों को देखना है वर्कआउट वीडियो तो जरूर बताना, मैं मेरे ट्रेनर से भी मैं आपको मिलाऊंगा एंड मेरा वर्कआउट शेयर भी करूंगा. डाइट मैं अभी करंटली 6 मील्स ले रहा हूँ, एक दिन में 6 मील्स खा रहा हूँ. थोड़ा बल्किंग में अभी साइज गेन कर रहा हूँ, साइज बहुत उतर गया था मेरा. चलो नाउ बैक टू द ब्लॉग गाइस. ना रेडी? ना बिजी है फुल. लेट्स गो. रेडी? रेडी. किसके अगेंस्ट? फ्रेंड्स के अगेंस्ट. मैं आगे गाइस कैफे में, क्रेजी वाइब है भाई. 6 टीम्स आज खेलने वाले, ये रही हमारी टीम. आगे मेरी टीम ही नहीं है, इधर इधर है पूरी टीम मेरी. ये हमारी टीम के मेन प्लेयर दिख रहे, मेन प्लेयर हमारा मैच है रिब्बी भाई के अगेंस्ट. रिब्बी भाई रेडी है? चंपेस्ता ना नीनू, चंपेस्ता ना, होगा भाई सेटअप. फर्स्ट लेन का मैच स्टार्ट हो गया, पहला रो, दूसरा रो, अभी तीसरा रो, चौथा रो, अभी अपन इन लोगों का मैच है. नहीं सामने आना ना, कौन सा फोर्थ, थर्ड रो है, थर्ड वर्सेस फोर्थ, पीछे फिफ्थ वर्सेस सिक्स्थ. अन्ना रेडी मैच के लिए, ये मेरी टीम. चीचा हेलो बोलो, उनको बुलाओ. व्हाट्स अप, ये अपनी टीम है चीचा.
हमारा इन्हें गायब हो गया एक प्लेयर, हाँ था मैच स्टार्ट होने वाला है हमारा, देखो नाम पढ़ो मां छिपा दो एडिटर कैसा नाम रखा है, यहां देखो यहां बता दो, हां याद है भैया हमारी टीम रेडी है, सामने रिव्यू भाई फुल वार्म अप कर रही है, लेट्स गो एलेक्स का भी और ईजी यार ये ना नहीं हो रहा क्या अच्छा ही है पहला मैच इजी ओमन मेन, क्या बोलते चीचा कैसा खेले अपन, जबरदस्त खेले भाई ये मन ना इतना इजी है, गुड गेम फाइनल में आ गए गाइस, ये पहला मैच था हमारा, जीते हारे फिर जीते फिर जीते, सेमीफाइनल 13-4 इजी विन, फाइनल में क्या बोल रहे हैं ट्रॉफी लेके जा रहे आज, आज तो लेके जाना है मेडल भी है खत्म भाई, रेडी फॉर फाइनल्स, इजी विन गाइस इजी विन, पहली बार लैंड खेलने और जीतने वाले हम लोग, अन्ना के अगेंस्ट, अन्ना ग्राइंड कर रहे हैं, रिब्बी अन्ना भी ग्राइंड कर रहे हैं, लियो अन्ना फाइनल्स फाइनल्स, अन्ना मेरा फाइनल्स, लेट्स गो, हाँ इजी इजी, चलो चलो सी यू फाइनल्स वंस अगेन, स्टार्टिंग स्टार्टिंग नाइस मार्केट 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 ओ No, 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 120, 120. Nice. Nice, nice, nice. Flashing city, peak. Easy. Let's go. अरे साइड को आके मार तू रे टर्बी. मुस्कान, मुस्कान, दीदी, मुस्कान. अरे GG guys won. Vibiana. Good game. Good game. Sixth player. VLT. Sixth player. Easy win. Guys, my team captain. हमारे टीम कैप्टन गाइस, देखो लैंड जीते तो मेडल देते हैं, बताओ मैं पहला लैंड के लिए पहला मेडल भी मिल गया भाई, इजी था बे, एक मैच हार गए बस, एक मैच हारे बाकी सब जीते, एक मैच हारे क्लोज हारे भाई, क्लोज यू मजा आ गया भाई, बट मजा आया क्रेजी एंजॉय इट बैक होम गाइस, क्रेजी एक्सपीरियंस था भाई, पहला लैंड खेला वालों का, गोल्ड मेडल जीते अपन, मतलब लैंड जीते भाई बेसिकली, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है सब जितने भी लोग वहाँ पे रेगुलर खेलते थे, उसमें मैं बोला अन्ना मेरे को भी खेलना है वाला लैन, तो जो टीम जिस टीम के लिए मैं खेला था वो लोग मेरे को पिक किए थे ऑक्शन में, एंड पहला लैन खेला उन लोगों के साथ एंड जीत गया, बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था, बहुत नए लोगों से मिला हैदराबाद में, मैं यूजुअली ज़्यादा बाहर जाता नहीं हैदराबाद में, बट अभी गया तो बहुत अच्छा लगा, इतने सारे नए प्लेयर्स से मिला, बहुत अच्छा खतरनाक खेलते बिल्कुल एकदम, बहुत क्रेजी वाइब था, मजा आया, घर में बैठ के खेलना और वहाँ जाके खेलने में बहुत फर्क है भाई, ये हर वीक में कराते रहते हैं ना, बट मैं जब भी फ्री रहूंगा तब जाऊंगा, आज मेरे को मन था जाने का तो गया, सोचा ब्लॉग भी बना लूं, नया एक्सपीरियंस कर रहा हूं तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, और आप लोग क्या देखना चाहोगे इस ब्लॉग में जरूर बता, मैं Q&A वीडियो प्लान कर रहा हूं, और एक स्पेशल वीडियो है जो हैदराबाद के सब्सक्राइबर्स है मेरे, मैं उन लोगों से कहीं उन लोगों को साथ में कहीं लेके जाऊंगा, मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूं, देखते क्या होता,
जो भी रहेगा मैं अनाउंस कर दूंगा, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो उस अपडेट्स के लिए। हैदराबाद के जितने भी लोग हैं, एक सरप्राइज वीडियो आप लोगों के लिए रह सकते, एक सरप्राइज ब्लॉग आप लोगों के साथ मैं कुछ करूं, मेरा बहुत मन कर रहा है ऐसा करने का, एंड कुछ प्लान करता हूं। आपके पास कुछ आइडियाज है तो जरूर कॉमेंट करना और बताना मेरे को। Q&A के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ किस तरीके से करूँ, कुछ आइडियाज है तो दो। क्या और देखना चाहोगे ब्लॉग में मेरे बारे में, मैं हैदराबाद में क्या क्या करता हूँ, कहाँ कहाँ खाता हूँ, क्या क्या करता हूँ, सब जानना चाह रहे तो बताओ मेरे को। और ये ब्लॉग पसंद आया तो जरूर लाइक ठोकना, सब्सक्राइब ठोकना, कुछ नया ट्राई करा मैं और सोचा नया एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, खुद ब्लॉग करता हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। क्रेजी था, मजा आया, पीस आउट गाइस।